गाइस आज बात करेंगे एनआईबीएम पुणे के बारे में, बिकॉज एनआईबीएम का आज कॉल्स आउट हुआ है और भाई साहब इनके कट ऑफ जो ऊपर गए हैं अलग लेवल पे। सो मैंने इनसे बात करी इनके बच्चों से, तो मुझे पता चला कि कट ऑफ वगैरह क्यों ऊपर गए हैं। सो उसके बारे में भी बात करेंगे। मैं आपको कट ऑफ दिखाऊंगा, मैं आपको प्रेपरेशन बताऊंगा पीआई वगैरह की कैसे करनी है। बाय द वे, एनआईबीएम पुणे इज वन ऑफ द बेस्ट बी स्कूल इन द कंट्री फॉर फाइनेंस। आगे चलेंगे, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये जो है ये बेसिकली आरबीआई के अंडर आता है। सो इनके जो एक माई बाप है या फिर इनके ऊपर जो वर्द हस्त है वो है आरबीआई का। सो दैट मेक्स दिस कॉलेज अ फैंटास्टिक ऑप्शन फॉर यू ऑल, राइट? लेट्स गेट स्टार्टेड विद द बैच प्रोफाइल। बैच प्रोफाइल इज रियली गुड। 120 स्टूडेंट्स ऑन बोर्डेड, 91 मेल, 29 फीमेल। 120 स्टूडेंट्स की साइज होने की वजह से प्लेसमेंट आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। दिस इज प्रिडोमिनेंटली डोमिनेटेड बाय फ्रेशर्स। अगर हम देखेंगे फ्रेशर्स यहां पे है 72%। अगर मैं बात करूं 0 से लेकर 12 महीने का जिनका वर्क एक्स है वो है 10%। आइडियली मैं इन बच्चों को भी ना एक्चुअली मैं फ्रेशर्स ही मानता हूं। अब ये बात अलग है कि ये बच्चे खुद को फ्रेशर्स नहीं मानते हैं, बट वैसे देखा जाए तो ये भी बच्चे फ्रेशर्स ही है। 72+10% दैट्स राउंड अबर 82%, राइट? सो 80% जनता यहां पे फ्रेशर्स है। तो अगर आप फ्रेशर हो आपके लिए ये कॉलेज एक एडवांटेज है। अगर आप वर्क एक्स वाले भी हो तो भी लोड नहीं, इट इज एन एडवांटेज फॉर यू। बट इट इज दैट फ्रेशर्स के नंबर ज्यादा होने की वजह से बच्चे एक अच्छा खासा पीयर ग्रुप बन सकता है। अब इनके प्लेसमेंट्स के बारे में बात करेंगे। इन लोगों ने फोड़ा है, इनकी जो हाईएस्ट है वो 23.5 लाख है, इनके एवरेज जो है वो 15.5 लाख के तकरीबन है। अब आप कहोगे कि सर ये थोड़ा मुझे हजम नहीं हुआ कि भाई तुम्हारी एवरेज 15.5 है और तुम्हारी हाईएस्ट 23.5 है। हम बात करेंगे संबलपुर के बारे में, सिरमौर के बारे में, उनकी तो सर 64 लाख पर एनम है एंड तब जाके उनकी एवरेज जो है 17-18-19 लाख बनी है। तो देख भाई वो जो डेटा है वो अलग लेवल पे है, बिकॉज 64 लाख तुम्हारा क्या है, हाईएस्ट प्लेसमेंट है। एंड संबलपुर एंड सिरमौर को भले आईएम का नाम लगाए पर यार वो तुमको आईएम बनने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज अगेन वही बात है ना, अमिताभ बच्चन का बेटा अभिषेक बच्चन, तो जब तक अभिषेक बच्चन खुद को प्रूव नहीं करता तो थोड़ी ना बच्चन का नाम लगने से तू बच्चन बनेगा। तो इट्स अ वेरी सिंपल बॉल गेम ऑल टुगेदर। सिरमौर एंड संबलपुर नो डाउट दे आर आईएम्स, बट इट विल टेक देम टाइम टू गेट टू दैट लेवल, राइट? सो इसका कंपैरिजन मत करना संबलपुर सिरमौर के साथ, ये अलग लीग पे चलते हैं। जहां तक एनआईबीएम का सवाल है, फाइनेंस में तो ये कम्पीट करेगा आराम से, रात उनसे बेटर भी ये कहलाएगा। सो इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं, आगे चलेंगे। सो इनकी जो ये जो फंडा है ना इनका, ये एवरेज पैकेज का इनकी मीडियम 15 लाख है, नॉट बैड, नॉट बैड। अब इसका फंडा क्या है सर, ये थोड़ा सा हमको बता दो यार। सिंपल सी बात है, अगर मैं इनके ना स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में बात करूँ ना, जैसे अगर हमें कहता बेल कर्व ड्रॉ करें, है ना, अगर आपको बेल कर्व पता होगा, सो आप देखोगे मैक्सिमम जो डेटा है ना वो स्क्यूड हो गया होगा कब कहां से कहां तक, 13 लाख से लेकर 17 लाख तक। सो जब आप देखते हो कि आपके पास 120 बच्चे हैं, हाईएस्ट सिर्फ और सिर्फ 23.5 है, पर एवरेज आपकी बहुत खतरनाक है, इट मींस इट्स अ वेरी गुड साइन, बिकॉज मैक्सिमम बच्चों को 12-13 लाख से लेकर 15-16 लाख तक की सैलरी मिली है। इसका मतलब इनका जो लोवेस्ट है वो कम है, मतलब लोवेस्ट पैकेज अगर आप कुछ भी पकड़ लो, पर नंबर ऑफ स्टूडेंट जो लेते हैं ना वो लोवेस्ट पैकेज, उसकी संख्या कम होगी और एवरेज के आजू बाजू नंबर ज्यादा बच्चों को मिला होगा। सो मेरे ख्याल से देर इज अ गुड चांस कि आप लोगों को 13-14-15 लाख का सैलरी आराम से मिल जाएगा अगर आप एनआईबीएम में हो। सो ये खासियत थी इन लोगों की, एंड मैं खुद इनके बच्चों से मिला हूँ, मैंने खुद इनसे बात करी है। ऐसा नहीं कि मैं कैंपस पे था तो खाली उनके बच्चों से बात करी, मैंने खुद के बच्चों से भी बात करी जो सी2सी से है, मैंने ऑफ कैंपस भी लोगों से बात करी फोन वगैरह करके, मैंने क्रॉस वेरीफाई करा है एंड फीडबैक बहुत ही अच्छा आया है। फाइन, आगे चलेंगे। मीडियम 15 है, टॉप 10 लोगों का एवरेज है जो है 22.44 लाख है, बड़ा नंबर है भाई। टॉप 25% लोगों का एवरेज है 21.09 लाख पर एनम। टॉप 50% लोगों का एवरेज इज राउंड अबाउट 18.5 लाख एंड टॉप 75 लोगों का एवरेज इज राउंड अबाउट 17 लाख। अगर आप मेहनती हो और अगर आप यहाँ पे जाके फोड़ना चाहते हो तो आप कर सकते हो। मैं आपको इस कॉलेज के बारे में थोड़ी सी बात बताता हूँ। इनके जो डायरेक्टर साहब है, बड़े प्यारे डायरेक्टर साहब है यार, वो IMF वर्ल्ड बैंक वगैरह वगैरह के साथ काम करके आए हैं। जो मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह की जो कमेटी, जो MPC की जो भी मीटिंग्स वगैरह होती है उसमें वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। मैं भी उन कंपनीज़ के उन बैंक्स के मैं नाम नहीं लूँगा, बड़े बड़े इंटरनेशनल बैंक्स वगैरह वगैरह है जिनकी सुधारना करने के लिए, जिनकी डेवलपमेंट के लिए NIBM के फैकल्टीज़ भी इन्वॉल्व थे और उन्होंने अपना क्रेडिबल नॉलेज वहाँ पे दिया है। तो इनकी जो फैकल्टी पूल है ना वो एक अलग लेवल पे। इमेजिन करो यार, जिस कॉलेज के ऊपर RBI का हाथ है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो कॉलेज अच्छा नहीं करेगा, ऐसा होगा ही नहीं। सो ये एक एडवांटेज मिला है NIBM को, एंड NIBM पुणे हैज़ ऑलवेज बीन डूइंग रियली गुड, ठीक है? सो ये एक चीज़ है, इनके फैकल्टीज तो अनबीटेबल है, मतलब दे आर रियली गुड। मैं खुद मिला हूँ, मुझे पता है। रिक्रूटर्स के बारे में बात करेंगे, देयर आर 25 कंपनीज भाई, 35 बच्चों को PPO मिला है, 120 बच्चे यहाँ पे हैं, है ना? मतलब अगर आप देखोगे 35, मतलब राउंड अबाउट
30% बैच को आपके पीपीओ मिला है, ये बहुत बड़ी बात है। अब मैं दो तीन चीज़ों के बारे में बात करूंगा। यहाँ पे बच्चे कहते हैं 52% बैंक्स यहाँ पे प्लेसमेंट देती है, और जो टेलीग्राम की कुछ जनता है, व्हाट्सएप वगैरह की जो कुछ जनता है, ये कहते हैं कि यार NIBM तो बैंकिंग मैनेजमेंट का कॉलेज है, इधर तो बैंक्स ही आती है इनको प्लेसमेंट लेने के लिए, तो ये कॉलेज अच्छा नहीं है। देखो भाई, पहली बात, आजकल कोई भी एरा गैरा नत्थू वगैरह उठ के ना अपना रिव्यू देना चालू करता है, मैं आपको जेन्युइनली बताता हूँ गाइज, ऐसा नहीं होता है। बिकॉज आप लोग इन लोगों के रिव्यू सुनते हो और आपका माथा घूम जाता है। सी, इट डजेंट वर्क लाइक दैट। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं बैंक्स के बारे में बात करूँ, सो बैंक में जो प्रोफाइल मिलती है वो जानना भी ज़रूरी है। 52% जो यहाँ पे लिखा है सेक्टर वाइज बायफ्रिकेशन, 52% बच्चे बैंक्स में जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो टिपिकल बैंक वाली क्लेरिकल जॉब करते हैं। मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि वो क्या जॉब करते हैं। कंसल्टिंग में यहाँ पे 20% का बैच है, एंड NBFCs में यहाँ पे 28% है। थोड़ा इनके रिक्रूटर्स के बारे में बात करते हैं, बैंक ऑफ अमेरिका, बार्कलेज, हाँ ये दिग्गज बैंक्स हैं। बैंक ऑफ अमेरिका अगेन तुम्हारी पेटीएम की पेमेंट्स बैंक, सॉरी फॉर दैट, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, राइट। ये जो भी पेमेंट्स बैंक अभी आई है यहाँ पे भी ज़्यादा रिक्रूटमेंट हुई है। सी, अंडरस्टैंड दिस, आपकी रिक्रूटमेंट सेल्स एंड मार्केटिंग में हो सकती है, देर इज नो डाउट अबाउट इट, बट ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि 52% बच्चे जो प्लेस हुए हैं बैंक में वो पूरे के पूरे सेल्स में नहीं जा सकते हैं। बैंक में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, एंड जो बच्चे बैंक्स में जाते हैं वो रिस्क मैनेजमेंट की साइड पे भी जाते हैं, वो डेट रिस्ट्रक्चरिंग में भी जाते हैं, आप समझ रहे हो। सो गाइज, दिस इज नॉट वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं कि बैंक में गया मतलब वो बैंक में जाके क्रेडिट कार्ड बेच रहा है, वो नहीं होता। बैंक में बहुत टाइप के जॉब्स होते हैं, एंड दैट इज अ वेरी गुड। अगर मैं बात करूँ 52% अगर बच्चे बैंक में जाते हैं, क्या इमेजिन करो तुम्हारे पर्क से, तुम्हारा एजुकेशन लोन 2% पे मिलता है, कार लोन तुम्हें यार मतलब 50% से भी ज़्यादा कम तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट को देना पड़ता है, मार्केट में 10 तो तुम 5वें लोगे, राइट। तुम्हारा होम लोन, तुम्हारा कोई भी लोन बोलो, तुमको बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलता है, और ये बहुत ज़्यादा पर्क्स है जो तुम्हें आगे जाके हेल्प करते हैं। इंडिया ग्रो करेगा तो बैंकिंग सेक्टर भी ग्रो करेगा, मैं ऑलवेज कहता हूँ। सी, देर इज नो डाउट अबाउट इट, बाकी के स्पेशलाइजेशन भी है। हम ये नहीं समझ पाते कि यार कंसल्टेंसी में फाइनेंस वाले बच्चे नहीं जाते, कंसल्टेंसी कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है। कंसल्टिंग में मैक्सिमम जॉब अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, तुम प्लेसमेंट खोल के देखो मैक्सिमम जॉब तुमको पता चलेगा फाइनेंस वाले बच्चे। तो फाइनेंस की जो बात है ना, जो वैल्यू है वो अलग है, और फाइनेंस इतना ग्रो करेगा ना कि आप देखोगे फाइनेंस में जाने वाला बच्चे को कभी जॉब की कमी नहीं होगी। दे विल मेक शिट लोड ऑफ मनी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। फाइन, आगे चलेंगे। बार्कलेज इट्स अ फॉरेन बैंक, इट्स अ फॉरेन बैंक। बैंक ऑफ अमेरिका इट्स अ फॉरेन बैंक, राइट। नेटवेस्ट ग्रुप अगेन इट्स अ फॉरेन बैंक, ठीक है। SBM, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशियस, बच्चों को पता नहीं है, ये SBI की एक सब्सिडियरी मेरे ख्याल से अगर मैं बात करूँ, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। कोटक इज डूइंग रियली गुड, राइट। आगे चलेंगे, HSBC डूइंग रियली गुड। एडलवाइज इट्स NBFC, आपको पता है एडलवाइज में इन्वेस्टमेंट बैंक है, एडलवाइज प्रॉप ट्रेडिंग भी करता है, आपको ये पता है, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है। यू गॉट इट, नो, दैट इज द रीजन आपके जो व्यूज जो आप सुनते हो, जो बच्चे जो व्यूज देते हैं ना इधर उधर फोकट में, इट दे हैव नो आइडिया, वो खाली बोलते हैं इट इज बैंकिंग एंड मैनेजमेंट, तो फिर यार बैंक में ही जॉब मिलेगी, ठीक है, उनको पता नहीं है, वी विल नॉट टॉक अबाउट दैट। EY इट्स अ ब्लडी ऑडिट कंपनी। Cognizant इज ग्रेट IT कंपनी मैन, है ना। HDFC बैंक, पूना वाला हाउसिंग फाइनेंस, आपने देखा होगा मैं पूना वाला के बारे में ऑलवेज बात करता हूँ, बिकॉज यार पूना वाला इज अ ग्रेट स्टॉक, आज भी आप एंटर करना चाहते हो कर सकते हैं। अगेन इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन, आई एम टेलिंग यू दिस इज वन ऑफ माई पोर्टफोलियो स्टॉक एंड आई हैव डन थरो रिसर्च ऑन इट। सो ये जो चीज़ें हैं काफी जरूरी है। टाटा कैपिटल इज अगेन यू नो काइंड ऑफ यू नो मिड साइज इन्वेस्टमेंट बैंक इन द कंट्री। वेल्स फार्गो अगेन इट्स अ फॉरेन कंपनी। येस बैंक की भाई 14-15 लाख की सैलरी होती है। यू गेटिंग माय पॉइंट। सो अगर मैं इनकी प्लेसमेंट की पोर्टफोलियो के बारे में बात करूं, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इनकी जो प्लेसमेंट है इट्स रियली रियली गुड। अब इनके कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इनके कट ऑफ क्या रहे हैं, कट ऑफ में तो यार इन लोगों ने इस बार ना फाड़ दिया, मतलब अगर आप देखो इनका जो कैट का कट ऑफ है वो 89 गया, हाँ। इनका जो GMAT का कट ऑफ है 89, GRE 89, ठीक है, इसके बारे में बात भी नहीं करेंगे। कैट एंड जैट 89%, CMAT का कट ऑफ 98% गया है टू माय सरप्राइज, बिकॉज डेफिनेटली लॉट ऑफ गुड कैंडिडेट्स मस्ट हैव अप्लाइड टू NIBM पुणे, एंड दैट इज द रीजन ये कट ऑफ अच्छा ऊपर गया है। ये पहले 95 हुआ करता था, अब ये क्यों होता है, बिकॉज प्लेसमेंट्स अच्छी है ना, कंपनीज अच्छी आती है, बच्चों को अच्छा फ्यूचर दिखता है, तो बच्चे लोग अप्लाई करते हैं, तो ज़्यादा एप्लीकेशन आएंगे तो कॉलेज कट ऑफ इंक्रीज करेगा ही करेगा। NCOBC देखो 79 पे, SC 74 पे, ST 59 पे, PW 59 पे, AW 79 पे, ठीक है। सो ये रहा आपका एक ओवरऑल आइडिया। अब इसके PI के लिए आपको क्या इंप्रूव करना है, सिंपल सी बात है, आज मॉनिटरी पॉलिसी की जो हमारी कमेटी थी उन्होंने उसमें कुछ रेट वेट चेंज नहीं करे, बट आपको RBI के बारे में जानना थरली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आपको RBI के फंक्शन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मॉनिटरी पॉलिसी क्या है,
फिस्कल पॉलिसी क्या है, रिवर्स रिपो क्या है, रिपो क्या है, ये सब फाइनेंस वाली जो चीज़ें हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। एंड फाइनेंस डोमेन में बेसिकली इंटरनेशनल एंड इंडियन मार्केट में क्या हो रहा है, सेंसेक्स में क्या है, निफ्टी 50 में क्या चल रहा है, वो जानना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अगर आपको इस कॉलेज की कॉल आई है और अगर आप एक फाइनेंस फ्रीक हो, अगर आप फाइनेंस से प्यार करते हो जिस द वे आई डू, तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होगा मार्केट में। सो इसके लिए मैं चाहता हूँ आप जेन्युइनली मेहनत करो, आप अच्छे से पढ़ाई करो। डेफिनेटली मैं ज़्यादा कंपैरिजन नहीं करना चाहता, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस के लिए बात करूँ, सिर्फ फाइनेंस के लिए बात करूँ, तो ये कॉलेज बेबी आईएम्स को टक्कर दे सकता है। हाँ, तो ये चीज़ एक याद रखना, और आने वाले दिनों में NIBM बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, देर इज़ नो डाउट अबाउट इट। सो ये इतना मेरा रिव्यू आप बच्चों के लिए। कॉल आई है तो मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो, एंड सिलेक्शन होने के बाद फिर हम बात करेंगे। अगर आप मेरे C2C के बच्चे हो, मैं ऑलवेज आपको हेल्प करता हूँ, ये कॉलेज लेना है कि सर वो कॉलेज लेना है, अगर आपका NIBM कन्वर्ट हो जाए और उसके साथ अगर आपके पास कोई दूसरा भी स्कूल है, मैं बैठा हूँ, मैं आपको ऑलवेज हेल्प करूँगा। सो लोड मत लेना, बट इसके लिए प्रिपेयर अच्छा करना। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बी स्कूल फॉर फाइनेंस, वन ऑफ द रियली रियली गुड बी स्कूल फॉर फाइनेंस इन द कंट्री। सो गाइज, ऑन दैट नोट, थोड़ा लाइक करो, शेयर करो यार, और थोड़ा अपने फ्रेंड्स वेंड्स के साथ मेरे यू नो वीडियो शेयर किया करो। काफ़ी प्यारी और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ आप लोगों को। मोटिवेशन के नाम पे आप लोगों को मैं बेवकूफ़ नहीं बनाता, ये तो आप अग्री करोगे, राइट? सो गाइज, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, मे बी व्हाट्सएप ग्रुप और मे बी टेलीग्राम ग्रुप। बच्चों को थोड़ा आइडिया मिलने दो, है ना? जब ये आइडिया मिलेगा, बच्चों को नॉलेज मिलेगा, उनका भी ग्रोथ होगा। सो गाइज, ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।